हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राशन कार्ड कैसे बनवाएं घर बैठे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप राशन कार्ड घर बैठे ही बनवा सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपना ये राशन कार्ड बनवा सकते हैं। 10 से 15 दिनों में अपना ये राशन कार्ड बनवा सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, कैसे बनवाएंगे और राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और हर प्रकार कौन कौन से प्रकार का कलर होता है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। राशन कार्ड के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, राशन कार्ड बनने के लिए शुल्क कितना देना पड़ेगा दोस्तों, राशन कार्ड प्राप्त होने का अधिकतम समय कितना है, ये सारी जानकारी हम देंगे। कैसे राशन कार्ड बनवाएँ तो दोस्तों ये जानकारी भी हम आपको देंगे। दो तरीके से आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों, इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे, इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आएगा दोस्तों, उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और अच्छी लगी, लाइक कर दिया। और ये शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, आपको ये नीचे की ओर आके लिख देना है, आपको यहाँ पर आपको लिख देना है राशन कार्ड आपका, APL या BPL जिस जैसा राशन कार्ड हो आपको वो लिख देना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है दोस्तों, राशन कार्ड कैसे बनवाएं घर बैठे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राशन कार्ड कैसे बनवाएं घर बैठे और कितना लगेगा शुल्क, कितने दिनों में बन जाएगा राशन कार्ड। दोस्तों, क्या है राशन कार्ड के उपयोग। तो दोस्तों, राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, इसकी आवश्यकता हमें बहुत जगह पड़ती है। निजी भूमि जैसी नीचे दिए गए। तो दोस्तों, राशन कार्ड के खाद्य पदार्थ जिनके गेहूं, चावल, शक्कर और LPG केरोसिन खरीदने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, मतदान कार्ड बनाने के लिए, सिम कार्ड खरीदने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, LPG कनेक्शन के लिए, लाइफ इंश्योरेंस निकालने के लिए, सरकार और निजी कार्यालयों में, हमारे देश में राशन कार्ड की मूल महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है। इससे देश में लगभग सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट निश्चित होगा। राशन कार्ड के 3 कैटेगरी के होते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड 3 कैटेगरी के होते हैं, अत्यधिक गरीबी अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के BPL कार्ड और गरीबी रेखा के ऊपर APL कार्ड। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कार्ड सबसे गरीबी रेखा का, जिसकी आय ठीक नहीं है, बेरोजगार और वृद्धा लोगों के लिए परिवार में लेके पीला कार्ड मिलता है दोस्तों, और ये 10,000 से कम की आय वालों को मिलता है। और APL ये लाल कार्ड गरीबी रेखा के नीचे वालों को मिलता है। तो दोस्तों, इसका कितने दिनों में ये बन सकता है हम आपको ये आपको दिखा दें। राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क कितना चाहिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए शुल्क 3 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की दिया जाता है। सभी राज्यों का शुल्क अलग अलग है तथा राज्यों के तत्व राशन कार्ड के लिए अतिरिक्त शुल्क 100 रुपये दिए। जो अगर आप तत्काल राशन कार्ड बनवाएंगे तो 100 रुपये इसका चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, राशन कार्ड प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा 15 दिन से लेकर 30 दिन तक है। सभी राज्यों में इसकी सीमा अलग अलग होती है। तो दोस्तों, कैसे बनवाएं राशन कार्ड। राशन कार्ड बहुत ही अहम दस्तावेज है, इसकी सभी देशवासियों को आवश्यकता होती है। 2 तरीके के अलग अलग राशन कार्ड होते हैं, दोनों प्रक्रिया अनुसार बहुत आसान है। दोस्तों, शहर में, तहसील, जिला या फिर अन्य सरकारी जगह जाकर बनवाएं राशन कार्ड, ऑनलाइन बनवाएं राशन कार्ड। दोस्तों, आप सरकारी तहसील में जाकर राशन कार्ड बनवाएं, और ऑनलाइन भी इसकी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको